नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी कि एशिया कप 2023, जिसका इंतजार सभी एशियन क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अब एशिया कप 2023 से जुड़ी काफी बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जहां पर ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एशिया कप 2023 से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एशिया कप 2023 किस कंट्री में खेला जाएगा। इसके अलावा एशिया कप 2023 की शुरुआत कब होगी, जबकि एशिया कप 2023 में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे और ये सभी मैचेस कौन से वेन्यूज पर होंगे। इसके अलावा एशिया कप 2023 में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सी टीम किस ग्रुप में मौजूद है, जबकि एशिया कप 2023 का फॉर्मेट क्या रहेगा। और इसके अलावा आप एशिया कप 2023 के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको एशिया कप 2023 से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 के होस्टिंग कंट्री के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB के पास थे, लेकिन BCCI ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। तो ऐसे में PCB के चेयरमैन नजम सेठी का ये कहना है कि चूंकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप 2023 के लिए, तो एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर करवाया जाए, यानी कि एशिया कप 2023 के 4 मैचेस पाकिस्तान में हो जबकि बाकी के मैचेस श्रीलंका में हो। अब शुरुआत में BCCI समेत बाकी सभी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स इस हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं थे, लेकिन हाल फिलहाल में एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग हुई है और उसमें BCCI समेत सभी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स इस हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो चुके हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इस हाइब्रिड मॉडल पर अपनी मोहर लगा दी है। तो अब यह 100% कंफर्म और फाइनल हो चुका है कि एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा, यानी कि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जबकि बाकी के 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो इस तरीके से एशिया कप 2023 की होस्ट कंट्री के ऊपर चला आ रहा सस्पेंस भी खत्म हो चुका है और एशिया कप 2023 दो देशों में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स और ग्रुप्स के बारे में। तो एशिया कप 2023 में टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, जिनके नाम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल। नेपाल ने इतिहास रचते हुए पहली बार एशिया कप में क्वालिफाई किया है क्वालिफायर्स मुकाबलों के जरिए। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। तो इन सभी 6 टीमों को 3-3 टीम्स के 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको नजर आएंगी इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, जबकि ग्रुप बी में नजर आएंगी श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 की डेट और फॉर्मेट के बारे में। तो एशिया कप 2023 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा और एशिया कप 2023 में टोटल 13 मैचेस होंगे, जिसमें 6 ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले जाएंगे जबकि 6 सुपर 4 स्टेज के मैचेस भी होंगे और एक फाइनल मैच खेला जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो एशिया कप 2023 50 ओवर्स फॉर्मेट में खेला जाएगा ODI वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए, जहां पर दोनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेंगी और सुपर 4 स्टेज में हर टीम बाकी की 3 टीम के साथ एक बार मुकाबला खेलेगी। सुपर 4 स्टेज में जो टॉप की 2 टीम्स होंगी वो एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगी। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एशिया कप 2023 में कौन से मैचेस पाकिस्तान में होंगे जबकि कौन से मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो एशिया कप 2023 में सबसे पहले ग्रुप स्टेज के 6 मैचेस होंगे, जिसमें से 4 ग्रुप स्टेज के मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जिसमें शामिल है पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुकाबला जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। इसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी लाहौर के गद्दाफी
स्टेडियम में होगा। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये चार ग्रुप स्टेज के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा इंडियन टीम अपने दोनों ग्रुप स्टेज मैचेस श्रीलंका में खेलेगी, जिसमें शामिल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, जबकि इंडिया और नेपाल के बीच मुकाबला। इसके अलावा सुपर फोर स्टेज के सभी छह मैचेस भी श्रीलंका में खेले जाएंगे और एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला भी श्रीलंका में होगा। तो ये नौ मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, श्रीलंका के दो स्टेडियम्स पल्लेकेले और गोल में। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में एशिया कप 2023 का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, जहां पर आप टीवी में एशिया कप 2023 के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश कमेंट्री में स्टार स्पोर्ट्स वन एचडी चैनल की मदद से एंजॉय कर पाओगे, जबकि हिंदी कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी एचडी चैनल की मदद से भी देख सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो आप अपने मोबाइल फोन में एशिया कप 2023 के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी एंजॉय कर सकते हो, जहां पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये अनाउंस किया है कि एशिया कप 2023 के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त में की जाएगी। तो सभी मोबाइल यूजर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन की मदद से एशिया कप 2023 के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग बिना किसी सब्सक्रिप्शन के यानी बिल्कुल मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रही एशिया कप 2023 से जुड़ी अभी तक की आई सभी अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप एशिया कप 2023 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से एशिया कप 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।